राहुल गांधी जल्द ही कांग्रेस की कमान संभालने वाले हैं। इसके तुरंत बाद राजनीति में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। उलटफेर ये होगा कि बीजेपी सांसद वरुण गांधी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। अभी पक्के तौर पर तो दावा नहीं किया जा रहा है, लेकिन आगरा में कांग्रेस के वरिष्ठ मुस्लिम नेता हाजी जमीलुद्दीन ने इस ओर इशारा जरूर किया है। हाजी जमीलुद्दीन ने आरोप लगाया कि बीजेपी में वरुण गांधी को वो जगह नहीं मिल रही है जो उन्हें मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वरुण गांधी यूपी में सीएम के सबसे योग्य उम्मीदवार थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज कर योगी आदित्य को मुख्यमंत्री बना दिया। जमीलुद्दीन के अलावा एक अन्य कांग्रेस वरिष्ठ नेता हाजी मंजूर अहमद ने कहा कि आगामी 2019 के लोकसभा चुनावों में या पदाधिकारी के तौर पर वरुण गांधी को कांग्रेस कार्यकारिणी में शामिल किया जा सकता है। अहमद ने कहा कि वरुण गांधी के प्रियंका गांधी के साथ काफी अच्छे संबंध है, इसलिए वरुण को बीजेपी से कांग्रेस में लाने में प्रियंका अहम रोल निभा सकती हैं। गौरतलब है कि वरुण गांधी काफी वक्त से पार्टी लाइन से अलग मुद्दों को उठा रहे हैं। वरुण गांधी का कद अब बीजेपी में वैसा नहीं रहा जैसा पहले हुआ करता था। वरुण अब केवल बीजेपी के सांसद मात्र हैं। पार्टी में साइडलाइन होने के बाद वरुण भी खुलेआम अपनी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हैं, जिससे कई बार ये सवाल खड़ा होता है कि क्या वरुण कोई बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। कांग्रेस के दो नेताओं की बात पर यकीन किया जाए तो वरुण गांधी जल्द ही ये कदम उठाने जा रहे हैं। अब अगर ऐसा होता है तो ये राजनीति में बड़ा उलटफेर होगा।